कभी मारूफ कभी मजबूर, यानी कभी मोटे और कभी बारीक। वही समझना है कब बारीक पड़े जाते हैं, कब मोटे पड़े जाते हैं, कब मारूफ पड़े जाते हैं और कब मजबूर पड़े जाते हैं। इनका सबका अलग अलग रूल है। सिंपल रूल है, अलिफ को उस वक्त पढ़ेंगे मोटा जब इनके बाद इससे पहले अलिफ से पहले मोटे रूप आएंगे, और अगर इससे पहले मोटे रूप नहीं है तो इसको बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़े अल्लाह का अलग क्या है, लफ्ज़े अल्लाह से सुन, लफ्ज़े अल्लाह से पहले अगर जबर और पेश है तो लफ्ज़े अल्लाह पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। जैसे Yeah.
जो हमेशा कैसे बढ़े जाते हैं, मोटे बढ़े जाते हैं। और God, God, Vain, Pa, Pa, Pa. तो ये सात ग्रुप अगर अली के बारे में आएंगे तो ये अली क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। जैसे ओ ओ ओ अल्लाह, तो काफ के बारे में लिखाया, ठीक है। इससे बहुत सारी मिसाल दी जाती हुई है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो, और सात के अलावा बाकी जो रूप है वो सब बारी, वो सब क्या है, बारी है। तो अलिफ के पहले वो आएंगे तो अली बारी पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये तीन आएंगे तो जैसी बात ये पूर हो रहे तो भी पूर होगा, ये बारी हो रहे तो भी बारी होगा। लफ्ज अल्लाह का कायदा क्या है, लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले जबर और पेश होगा तो लफ्ज अल्लाह का नाम पुर होगा, फेर होगा दोबारा। ऐसी रा का कायदा है, रा साकिन का, रा साकिन से पहले ये तख्ती नंबर कितने मालूम है, तख्ती नंबर 14 में, तख्ती नंबर 14 में रा साकिन का कायदा बताया, रा साकिन और रा मुशद्दद, रा साकिन हो या मुशद्दद हो अगर उस पर जबर जेर है, जबर और पेश है तो पुर, जेर है तो बारी। रा साकिन के ऊपर, रा साकिन से पहले जबर और पेश है तो पुर, और रा साकिन से पहले जेर है तो बारी, तीनों का कायदा है। चाहे रा जबर जेर पेश हो रा के ऊपर, या रा तजवीद के ऊपर जबर जेर पेश हो, या रा साकिन से पहले जबर जेर पेश हो, ठीक है। तो जबर और पेश हो तो पुर, जेर हो तो बारी, पुर का मतलब मोटा, और रा मुशद्दद पर जबर और पेश हो तो पुर यानी मोटा, और जेर हो तो बारी, और रा साकिन से पहले जबर और पेश हो तो पुर, और जेर हो तो